अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। फिर दिखेगा वही देसी दंगल। कहां हो सकती है सीक्वल की शूटिंग? क्या सुल्तान अरफा की बेटी की कहानी होगी सुल्तान 2 में? क्या फिर दिखेंगे रणदीप हुड्डा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जब सुल्तान फिल्म रिलीज हुई थी तब काफी दिनों तक चर्चा में रही थी, चाहे वो सलमान के गेटअप को लेकर हो या फिर अनुष्का के रेसलिंग स्किल्स को लेकर, हर तरफ सुल्तान ही का क्रेज देखने को मिल रहा था। ऐसे में जब उसकी दूसरी फिल्म यानी कि सुल्तान के सीक्वल की खबरें तेज हो रही हो तो भला कौन खुश नहीं होगा। आखिर इंतजार तो सभी कर रहे हैं एक बार फिर से दंगल की लड़ाई देखने के लिए। सुल्तान की शूटिंग तब देश से लेकर विदेश में हुई थी, ऐसे में सोचने वाली बात यही है कि सुल्तान 2 की शूटिंग लोकेशन क्या हो सकती है, क्योंकि फिल्म हरियाणा बेस्ड रेसलर की कहानी पे है और सुल्तान 2 के प्रीक्वल में कुछ हरियाणा की जगहों को भी फिल्माया गया था। तो हो सकता है हरियाणा के कुछ शहरों में सुल्तान 2 को फिल्माया जाए, क्योंकि सुल्तान 2 एक सीक्वल फिल्म है तो जरूर ही इसका बजट भी पहले फिल्म से तगड़ा ही होगा। ऐसे में कुछ विदेश के लोकेशंस को फिल्माना कोई खास बड़ी बात नहीं है, आखिर में सुल्तान 2 एक स्पोर्ट्स फिल्म है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जगह मायने रखती है। पर सुल्तान 2 की लोकेशन तो उसके स्क्रिप्ट पर बेस्ड होगी, जिस तरह की कहानी लिखी जाएगी उसी तरह की लोकेशन को भी सेट किया जाएगा। खैर, अगर सुल्तान 2 की कहानी की बात को उठाए तो कुछ लोगों की थियोरीज ये भी है कि सुल्तान 2 में आरफा और सुल्तान अली खान की बेटी बड़ी हो जाएगी और रेसलर बनेगी जैसा उसके माता पिता थे, लेकिन इस बात में कितनी गहराई है ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। खैर, सुल्तान में अरफा और सुल्तान अली खान की बेटी का किरदार सूजी खान ने निभाया था। सुल्तान 2 में सुल्तान की बेटी के किरदार को किस तरह पेश किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तो सुल्तान अली खान के कोच के रूप में नजर आए जाने माने अभिनेता रणदीप हुड्डा के किरदार को सुल्तान 2 में जगह मिलेगी या नहीं, ये अभी एक बड़ा सवाल है। अली अब्बास जब सुल्तान के वक्त सलमान खान के रेसलिंग कोच के रूप में एक एक्टर की तलाश में थे जो लंबा हो और उसकी फिजिक भी अच्छी हो, तब सलमान ने रणदीप का नाम सजेस्ट किया था और फिर क्या था, बन गए रणदीप हुड्डा फतेह सिंह। अब देखना यही होगा कि सुल्तान 2 में रणदीप का कैमियो नजर आता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रणदीप सुल्तान 2 में अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनका किरदार फिल्म को और इंटरेस्टिंग बना दे। और रणदीप ये बखूबी जानते हैं कि किस तरह कम स्क्रीन टाइम में भी अपने किरदार के द्वारा फिल्म में एक बड़ी छाप छोड़ सके। देखते हैं क्या होता है सुल्तान 2 में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, बाय।